much more to building a magnificent residential or commercial structure. Like, we cannot bake a cake without all the necessary ingredients. Similarly, we cannot build a robust structure without quality materials. A building structure not only requires strong concrete walls, architectural design, finished floors, decorations, etc., but safety precautions also need to be looked into. Most importantly, the quality of the materials used in the construction is what ensures that the structure stands the test of time. Simply, the final product, be it a road, a bridge, or a building, will only be as good as the quality of the materials used to make it. Hello viewers, my name is Gomo Kamdak and I am the CEO of Engineering Material Testing Agency based at Itanagar D sector. Basically, mera jo agency hai, civil engineering mein jitna bhi construction material hai, uska hum log testing karta hai, especially quality control ka kaam kar rahe hum log Arunachal mein. We are in market for last 2 years. Hamara yahan mein soil testing hai. मेनली उसके बाद में मटेरियल टेस्टिंग एनी काइंड, जैसे कि आप सीमेंट का करना चाहता है, बालू का करना चाहता है, एग्रीगेट्स का करना चाहता है, या आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स ब्रिक, या आपका पेवमेंट कंक्रीट ब्लॉक, इवन वी गो फॉर टेस्टिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल्स ऑल्सो. सिविल इंजीनियरिंग का 90% टेस्ट आज ये अरुणाचल में करता है, एक्सेप्ट ये स्टील का चोर के, वो मेरा मशीन ऑन द वे है, जब आएगा तो कर लेगा. अदर देन दैट सारा कर लेता, जैसे मेरा बिटुमिन हो गया, बिटुमिन का ग्रेड क्या है, अच्छा है खराब है, वो सब सारा टेस्ट आज आपका ईटानगर में होता है मेरा लैब में. टेस्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों टेस्टिंग करना चाहिए सर लोगों को, मतलब सोइल या फिर मटेरियल्स का टेस्ट क्यों करना चाहिए? जनरली आपका सोइल टेस्टिंग इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा जितना भी आर्किटेक्चर साथी भाई है या कोई स्ट्रक्चरल डिज़ाइन जो भी साथी भाई है, उन लोग जो भी हो, जैसे भी हो, घर बनाने से सबसे पहले सोइल का पैरामीटर्स देखता है. तो सोइल का पैरामीटर देखने के लिए आपको बिना टेस्ट किए आप सोइल का पैरामीटर पता नहीं चलेगा. अगर आप सोइल का बियरिंग कैपेसिटी निकालता है बोलने से आपको ये पता चल जाता है कि आपका पर्टिकुलर लोकेशन में कितना प्रकार का, किस प्रकार का आप घर राइज कर सकता है. उसको इम्पोर्टेंस को लाने के लिए हम लोग ये सोइल टेस्टिंग का फैसिलिटीज़ यहाँ दे रहा है. ये फैसिलिटीज़ को एनी इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर्स या एनी वर्क्स डिपार्टमेंट और एनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो भी सिविल कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है, वो ये फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकता है एट अफोर्डेबल रेट्स. इसके अलावा जो एजेंसी आपने बोला है, ये ओनली स्टेट के अंदर ये विदिन कैपिटल में आपका लोटा है या इसके साथ साथ और भी कई सारे ऐसा वाला पाया जाएगा आप लोगों को? ऐसे सुनने में आया है एक दो है, लेकिन मैं ये श्योर करता हूँ कि आपको हमारा यहाँ में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि कोई सिर्फ सोइल टेस्टिंग करता है या कोई सिर्फ क्यूब टेस्टिंग करता है, लेकिन हमारा में कंपोजिट है, सब चीज़ है. हम आपका सोइल टेस्टिंग से लेके सारा मटेरियल टेस्टिंग तक कर देता है. हमारा आउटडोर टेस्टिंग भी है, इंडोर टेस्टिंग भी है. आप जो फैसिलिटी अवेल करना चाहता है वो आप उसको अवेल कर सकते हैं. हमारा जितना भी एक्सपर्ट है, वी से इट इंजीनियर्स, जितना भी मेरा इंजीनियर्स है, क्वालिटी इंजीनियर्स है, सब वेल एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है. रिगार्डिंग ट्रेनिंग हम लोग NABL होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर एक एजेंसी है, उसका थ्रू हमें ट्रेनिंग लेते रहता है, और जो भी हम लोग का लिखुना से हम लोग उसमें ट्रेनिंग का द्वारा उसको हम लोग मीटअप कर लेता है. आप
आपका ये जो एजेंसी है वो क्या सर्टिफाइड है? मेरा एजेंसी सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश रजिस्टर्ड है, इवन कुछ डिपार्टमेंट भी हमको एम्पैनल करके रखा हुआ है, उसका रिगार्डिंग में हम बहुत काम भी कर दे रहा है आज का डेट में। इंजीनियरिंग मटेरियल टेस्टिंग एजेंसी लोकेटेड एट डी सेक्टर ईटानगर इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ द आर्ट इंजीनियरिंग मटेरियल टेस्टिंग मशीन्स एंड इक्विपमेंट इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वरीज। The agency, with fully computerized latest equipment, will help you to analyze each material component and provide quality assurance. The agency also offers in situ field and laboratory testing of the materials you wish to test, such as rocks, soil, cement, bricks, iron, or any kind of building material used in construction. So if you are working on a new construction project or thinking about enhancing an existing structure, contact the agency and seek advice for a qualified expert for comprehensive material testing. And check the longevity and durability of your structure and material to be used to ensure the built structure and building standards and regulations are met. हम लोग का यहाँ का सर्विस को जनरली हम लोग तीन कैटेगरी में बाग करके रखा है। नंबर वन मेरा बिल्डिंग मटेरियल टेस्टिंग है, और दूसरा रोड मटेरियल टेस्टिंग, जो आज का डेट में आप देख रहा होगा हमारा PMGSY रोड बन रहा है, आपका नेशनल हाईवे बन रहा है, वो सब का भी हम लोग वो यहाँ में फैसिलिटी है टेस्टिंग का। सबसोइल इन्वेस्टिगेशन, इसमें हम सिर्फ घर का भी टेस्ट नहीं करता है, हम इवन ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट को भी टेस्ट करता है। रिसेंटली हम लोग दो तो बड़ा ब्रिज प्रोजेक्ट करके आया है। जनरली आप देखा होगा आजकल जितना भी घर बनता है जो एक दो साल पुराना हो जाता है, डिफॉर्मिटीज आने शुरू हो जाते हैं, क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, उसका मेन रीज़न है कि हमारा मटेरियल को टेस्ट नहीं करके बनाता है। जैसे से फॉर एग्जांपल आपका ये ब्रिक वर्क में वॉल में क्रैक्स आ जाता है, तो उसमें आपका आइदर आपका ब्रिक्स खराब हो सकता है, ब्रिक्स में ये डिफॉर्मिटीज हो सकता है, या आपका जो प्लास्टरिंग करने टाइम में सीमेंट और बालू जो रहता है उसका वो मटेरियल खराब हो सकता है। वो सब को अगर आप टेस्ट करके एज पर स्टैंडर्ड में क्वालिटी कंट्रोल में काम करने से वो सब आपका क्रैक्स डेवलप नहीं होगा, आपका घर का लॉन्गिविटी भी ड्यूरेबिलिटी भी हमेशा रहेगा। और आप लोग को एक चीज़ ये भी हम बता देना चाहता है कि आज तक हम PWD डिपार्टमेंट, स्मार्ट सिटी डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग, उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट, ये सब मेरा कुछ क्लाइंट है जिसके लिए हम काम किया हुआ है, और अभी भी बहुत सारा क्लाइंट का काम भी कर रहा है। और मेरा इसमें प्राइवेट क्लाइंट्स लोग भी आता है जो अपना कंसर्न दिखाता है घर हम बनाने से अच्छा घर बनाना है बोल के, राइट फ्रॉम उन लोग सोइल टेस्टिंग से शुरू करता है, सोइल टेस्टिंग करके ये हमारा मटेरियल भी टेस्टिंग कराता है, उसके बाद इवन मिक्स डिजाइन भी करवाता है हमसे, सो देट उन लोग का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होने के लिए। हम लोग का यहाँ में बहुत आदमी लोग ऐसा सोचता है कि घर बनाने से कुछ टेस्टिंग करने से एक दो रुपया लॉस हो रहा है, लेकिन वो एक दो रुपया लॉस नहीं है, उल्टा एक दो रुपया हम बचा दे रहे हैं आपको। आज आप घर बना तो लेगा, लेकिन कल आप देखता है कि वही घर में कुछ क्रैक्स आ रहा है, डिफॉर्मिटीज आ रहा है, तो फिर आप उसको रेट्रोफिटिंग करने से आपका लॉस होता है। तो अगर आप आज हमारा पास आता है तो एटलीस्ट आपको हम घर में क्या मटेरियल यूज़ करना है, कैसा यूज़ करना है, ये सजेस्ट कर सकता है। मेरा एजेंसी को खोलने का कुछ एक खास मकसद रहा है इस स्टेट में, हमारा अरुणाचल प्रदेश में ये जोन 5 में आता है, तो बेस्ड ऑन डेट हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है वो क्वालिटी कंट्रोल में होना है सोच के मेरा ये सिंस फ्रॉम माय पीरियड ऑफ स्टडी एक कॉन्सेप्ट रहा है। इसलिए आज हम ये एक मटेरियल टेस्टिंग एजेंसी लैब ईटानगर में सबका डोर स्टेप में ओपन कर दिया है। विद दिस आई वुड लाइक टू अपील ऑल द व्यूअर्स डेट वी आर रेडी टू कैच आउट एनी काइंड ऑफ services required by our client by taking
full responsibilities for building better infrastructure by recognizing the need of our esteemed client. Thank you very much.